हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके बच्चों के लिए होती है। और इस पॉलिसी का नाम है पोस्ट ऑफिस बाल जीवन बीमा चिल्ड्रंस पॉलिसी। इस स्कीम के पॉलिसी होल्डर बच्चे के माता पिता ही होते हैं और प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उनकी होती है। यह पॉलिसी बच्चों के लिए है तो नॉमिनी केवल बच्चे को ही बनाया जा सकता है। पॉलिसी मैच्योर होने पर इसका लाभ सीधा बच्चों को ही मिलता है। यदि माता पिता की मृत्यु पॉलिसी के बीच में ही हो जाती है तो आगे के सभी प्रीमियम माफ हो जाते हैं, यानी बच्चों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। और फिर भी मैच्योरिटी के बाद बच्चों को पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी मिलता है। दोस्तों, यह पॉलिसी आप PLI या RPLI के अंतर्गत ले सकते हैं। यदि आप गाँव के निवासी हैं और किसी भी संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं करते हैं तो आप इस पॉलिसी को RPLI के अंतर्गत ले पाएंगे। और यदि आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या ऐसी कोई भी नौकरी जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो तो आप PLI के अंतर्गत इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस पॉलिसी को और अच्छे से समझते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इस पॉलिसी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही लिया जा सकता है। बच्चों की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और 20 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे के मेडिकल टेस्ट की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन पॉलिसी को लेते समय बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। बच्चों के माता पिता की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह पॉलिसी 5 साल से लेकर 20 साल तक के पॉलिसी टर्म में अवेलेबल है। और मैच्योरिटी के लिए बच्चे की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे यदि बच्चे की उम्र 5 साल है तो आप अधिकतम 20 साल तक का ही पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। उस हिसाब से 25 वर्ष पूरे होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 20 साल है और तब आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप सिर्फ 5 साल तक का ही पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, क्योंकि यह पॉलिसी बच्चे के 25 साल होने पर मैच्योर हो जाती है। प्रीमियम आपको कितना जमा करना है यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप बच्चे की किस उम्र में यह पॉलिसी लेते हैं। प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर जमा कर सकते हैं। पॉलिसी मैच्योर हो जाने पर पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, पर यदि पॉलिसी के बीच में ही बच्चे की डेथ हो जाती है तो पूरा सम एश्योर्ड प्लस डेथ होने के समय तक जितना बोनस हो जाता है वो मिल जाता है। सम एश्योर्ड की बात करें तो कम से कम 20,000 का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पॉलिसी PLI के अंतर्गत है या RPLI के। PLI के अंतर्गत में मैक्सिमम 3 लाख का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं, या फिर माता पिता की कोई अन्य पॉलिसी अगर PLI में है और यदि उसमें सम एश्योर्ड 3 लाख से कम है तो वो 3 लाख से कम वाला सम एश्योर्ड ही आप इस चाइल्ड पॉलिसी में ले सकते हैं। मतलब जो सम एश्योर्ड सबसे कम होगा वही सम एश्योर्ड आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। ठीक यही रूल RPLI के अंतर्गत भी है, पर इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। बोनस रेट भी PLI और RPLI दोनों में अलग अलग है। PLI में प्रति 1,000 रुपए पर 52 रुपए बोनस मिलेगा और RPLI में प्रति 1,000 रुपए पर 48 रुपए का बोनस मिलेगा। बोनस रेट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहे, यह कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए नए बोनस रेट से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस पॉलिसी के अंडर ना तो लोन लिया जा सकता है और ना ही सरेंडर किया जा सकता है, पर यदि लगातार 5 सालों तक आप प्रीमियम जमा करते हैं तो यह पॉलिसी पेड अप पॉलिसी बन जाती है और तब पार्शियल विड्रावल किया जा सकेगा, मतलब जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे निकाले जा सकेंगे। टैक्स में छूट की बात करें तो 1.5 लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होता है और मैच्योरिटी बेनिफिट पर भी कोई टैक्स नहीं कटता है। PLI या RPLI के किसी भी पॉलिसी में यदि आप 1 साल का एडवांस प्रीमियम भरते हैं तो 2% की छूट मिलती है और 6 महीने का एडवांस प्रीमियम भरने पर 1% की छूट मिल जाती है। यह पॉलिसी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करके इसे बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैव अ नाइस डे।